डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शीएल वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसोसिएट प्रोफेसर, लोहिया कॉलेज चुरू, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चुरू। आज का जो अपना विषय है वो है, टॉपिक जो है वो स्केल्टन ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा। स्केल्टन ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा, ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर कंकाल। एक्चुअल में देखा जाए तो ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर एक्सोस्केल्टन नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर एंडोस्केल्टन पाया जाता है। और वो एंडोस्केल्टन ना तो बोन्स का बना होता है और ना ही कार्टिलेज का बना होता है, दोनों का ही नहीं बना होता है। उसके बावजूद भी इसके अंदर एंडोस्केल्टन पाया जाता है, और वो एंडोस्केल्टन है वो ज़्यादातर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और वही कनेक्टिव टिश्यूज पहले वेक्यूलेटेड सेल्स के रूप में होती है, और कई बार वही वेक्यूलेटेड सेल्स है वो जिलेटिनस रोड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो एक्सोस्केल्टन पाया जाता है वो रोड्स के रूप में पाया जाता है, छड़ के रूप में पाया जाता है, और वो शरीर के अधिकांश भागों में पाया जाता है। यहाँ पर अपन मोटे मोटे भागों के अंदर जहाँ ये पाया जाता है उनका अध्ययन करेंगे। एक तो है नोटोकोड, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से पाया जाता है एंडोस्केल्टन, स्पष्ट रूप से पाया जाता है। इसके अलावा फेरिंजियल गिल स्लिट्स, जो फेरिंग्स की वाल है उसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा ओरल हुड्स दिखाया अपन ने, ओरल हुड्स के अंदर जो सिराई होती है, बक्कल सिराई होती है, उनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो डोर्सल फिन बताया था और जो वेंट्रल फिन बताया था उनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा एंडोस्टाइल के अंदर भी पाया जाता है। तो यहाँ पे शरीर के करीब करीब भाग में विसरा को छोड़ करके, आंतरांगों को छोड़ करके सभी भागों के अंदर है वो एंडोस्केल्टन पाया जाता है, जो ना तो बोनी है ना कार्टिलेजिनस है, केवल कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। और वो कनेक्टिव टिश्यू बाद में धीरे धीरे मॉडिफाई होकर के अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप लेती है। तो अपन एक एक को लेते हैं। सबसे पहले नोटोकोड को। नोटोकोड के अंदर सबसे पहले जानते हैं कि नोटोकोड है क्या। नोटोकोड देखिए, ये यहां पर अपने नोटोकोड का टीएस दिखाया और यहां पर नोटोकोड का एलएस दिखाया। बीच के अंदर ये नोटोकोड का पोर्शन दिखा रखा है। ऊपर नोटोकोड में यहाँ पर डोर्सल कैनाल होती है, ये नोटोकोड की वेंट्रल कैनाल है। और इस नोटोकोड के ऊपर एक शीत होती है जिसको नोटोकोडल शीत बोलते हैं, या इलास्टिक इंटरना बताया अपन ने। और इसके ऊपर नर्व कोड होती है, नीचे की तरफ है वो फेरिंग्स होती है, क्योंकि जो नोटोकोड होती है वो गट से ऊपर होती है और नर्व कोड के नीचे होती है। तो ये नर्व कोड का पोर्शन दिखा रखा है। यहाँ पर जैसे देखा अपन ने फेरिंग्स दिखा रखा है, इसका मतलब गट के ऊपर है और नर्व कोड के नीचे पाई जाती है नोटोकोड। यहाँ जो नोटोकोड की विशेषता है वो क्या है, नोटोकोड टेल वाले भाग से लेकर के कोडल फिन से लेकर के रोस्ट्रम तक पाया जाता है, रोस्ट्रम में भी एंड तक पाया जाता है। यानी जो ब्रेन वाला पार्ट होता है, यहाँ पर ब्रेन नहीं है, हेड नहीं है, बट जो रोस्ट्रम का एंड पार्ट होता है वहां तक जाता है। इस नोटोकोड की वजह से ही जो इसकी बराविंग हैबिटेट होती है, बिलकारी या डस्ट के मड के अंदर तक जाना, वो इसी कारण पॉसिबल होता है नोटोकोड की वजह से, क्योंकि इसके रोस्ट्रम में लास्ट तक है वो नोटोकोड पाई जाती है। इस नोटोकोड के ऊपर अपने नर्वोकोड बता रखी है, यहां पर फेरिंग्स बता रखी है, बाहर इसके नोटोकोडल शीथ है और इसके अंदर जिलेटिनस की प्लेट्स पाई जाती है। तो ये यहां पर होमोजीनियस प्लेट दिखा रखी है अपन ने, ये नर्वोकोड है, ये इलास्टिन इंटरना है, और इसके बाद में ये खूब सारी होमोजीनियस प्लेट्स होती है। और इसका अपने ये एलएस दिखाया, तो इस एलएस के अंदर भी सारी चीजें ये प्लेट्स है वो। अब इसमें प्लेट्स भी दो प्रकार की होती है जो अल्टरनेट रूप से पाई जाती है, तो अपन ये अल्टरनेट यहाँ पर प्लेट्स दिखा रखी है। तो यहाँ पर डोर्सल जो नोटोकोड है वो अपने आप में क्या करता है, सपोर्ट का काम करता है, बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है, एक्चुअल में स्केल्टन का काम भी करता है। तो नोटोकोड को यहाँ पर कोर्डा डोर्सलिस भी बोलते हैं। नोटोकोड का दूसरा नाम क्या है, कोर्डा डोर्सलिस। ये क्या है, देखो इलोंगेटेड नैरो सिलिंड्रिकल रोड लाइक संरचना होती है, लंबी है और सिलेंड्रिकल है, और छड़ नुमा संरचना होती है जो शरीर के पीछे वाले सिरे से लेकर के आगे वाले सिरे तक फैली होती है। लाई मिड डोर्सली अबोव द गट एंड बीनीथ द नर्व कोड। नोटोकोड कहाँ पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर और नर्व कोड के नीचे पाई जाती है। मेटअप ऑफ लार्ज वेक्यूलेटेड सेल्स फिल्ड विद फ्लूइड। एम्ब्रियोनिक स्टेज में या अर्ली स्टेज के अंदर जो नोटोकोड होती है उसमें क्या होता है, वेक्यूलेटेड सेल्स होती है,
रेगुलेटेड सेल्स की बनी होती है, लेकिन जैसे ही जंतु अडल्ट बनता है, इन अडल्ट होमोजीनियस जिलेटिनस प्लेट विच मेक टफ एंड टर्जिड, यानी अर्ली स्टेज में ये वेकुलेटेड सेल्स की बनी हुई है, लेकिन इन्हीं वेकुलेटेड सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो पुश होकर के एक साइड में आ जाता है और सारी की सारी सेल्स मिलकर के क्या बना लेती है, प्लेट्स बना लेती है, खूब सारी प्लेट्स बना लेती है, और उन्हीं प्लेट्स की वजह से ये टफ और टर्जिड हो जाता है। सराउंडेड बाई टफ नोटोकोडल शीथ, नोटोकोड के ऊपर जो शीथ है वो पाई जाती है, इसको अपन नोटोकोडल शीथ कहते हैं। नोटोकोड मायोटोन्स को सपोर्ट नहीं करता है, अपने मसल्स बैंड्स बताए थे वी शेप के, उन मायोटोन्स और जो आंतरांग है इन दो चीज को सपोर्ट नहीं करता है, बाकी पूरी बॉडी को वो सपोर्ट करता है। द इलास्टिसिटी ऑफ नोटोकोड परमिट बॉडी मूवमेंट, इस नोटोकोड के अंदर जो इलास्टिसिटी होती है इससे बॉडी का मूवमेंट होता है, बट इट्स रिजिडिटी परमिट शॉर्टनिंग ऑफ बॉडी व्हेन लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग लोकोमोशन। तो इसकी जो नोटोकोड है वो बॉडी का मूवमेंट है, वो जो बेंडिंग मूवमेंट है उसमें हेल्प करती है, और जब लोकोमोशन के दौरान लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये बॉडी को छोटा नहीं होने देती है। इस प्रकार से ये नोटोकोड जो है एक तरीके से स्केल्टन का काम भी करती है। नोटोकोड के अलावा अपने बताया फेरिंजियल वाल शोविन गिल रोड्स, आगे अपन पढ़ेंगे कि इसकी जो फेरिंग्स है उस फेरिंग्स के अंदर गिल बार्स होती है, प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार, ये प्राइमरी गिल बार दिखा रखी है अपन ने, ये सेकेंडरी गिल बार दिखा रखी है। तो इन गिल बार्स को भी सपोर्ट करने के लिए इनमें क्या पाई जाती है, ये देखिए प्राइमरी गिल रोड और ये सेकेंडरी गिल रोड्स, इनको जोड़ने के लिए जो ये अपने जो लाड़ी लाइन दिखा रखी है वो क्या सिनेप्टिक होली है, बट ये प्राइमरी गिल रोड है और ये सेकेंडरी गिल रोड्स होती है। तो ये क्या करती है, ये पूरी की पूरी फेरिंग्स का एक तरीके से क्या बना रखा है, क्योंकि ये तो गिल बार है प्राइमरी गिल बार, ये गिल बार दिखा रखी है, ये गिल बार्स दिखा रखी है अपन ने, और इनके बीच बीच में क्या ये रेड कलर की दिखा रखी है, ये क्या गिल रोड्स है। तो यही गिल रोड्स क्या करती है, इसको सपोर्ट करती है, यानी यहां पर भी फेरिंग्स में एंडोस्केलेटन पाया जाता है और वही कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ। इसके अलावा देखिए तीसरा अपन ने यहां पर एक डायग्राम शुरू किया है, वो क्या ओरल हुड, क्योंकि इसका जो सबसे आगे का पोर्शन है वो रोस्ट्रम कराता है और रोस्ट्रम के नीचे ओरल हुड होता है, और उस ओरल हुड के अंदर खूब सारी बक्कल सिराई होती है, बक्कल सिराई पाई जाती है। ये बक्कल सिराई जितनी भी है 9 से 10 या 10 से 11 तक इनकी संख्या होती है, प्रत्येक बक्कल सिराई के अंदर देखिए हर एक के अंदर एक रोड जा रही है जो कि शुरुआत में कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और उसके बाद में वो हार्ड हो जाती है। तो इससे पूरे के पूरे टेंटिकल्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे रोस्ट्रम के अंदर भी ये पाया जाता है। तो ये अपने तीन प्रकार का पड़ा। चौथा देखिए आप अपने इसमें एम्फियोक्सिस में पढ़ा कि यहाँ पे जो डोर्सल फिन होता है, एक वेंट्रल फिन होता है और एक कॉडल फिन होता है। डोर्सल फिन और वेंट्रल फिन की क्या विशेषता बताई थी कि इनको सपोर्ट करने के लिए इनके अंदर फिन रेज बॉक्सेस पाए जाते हैं। तो वो बॉक्सेस भी एक्चुअल में कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं और उसके बाद में आगे जाकर के वो टफ और रिजिड हो जाते हैं और उस फिन को सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए ये डोर्सल फिन का अपन एक सेक्शन बनाया, तो इस डोर्सल फिन के अंदर देखिए डोर्सल फिन रेज बॉक्सेज है ये, और ये किस में दिखा है, वेंट्रल फिन के अंदर। तो दोनों में अंतर क्या है, डोर्सल फिन रेज बॉक्सेज है वो सिंगल लेयर के होते हैं और वेंट्रल फिन के अंदर जो बॉक्सेस होते हैं वो डबल लेयर्ड होते हैं। इसके अलावा एंडोस्टाइल, इसकी जो एंडोस्टाइल पाई जाती है, जैसे हार्डमानिया में भी अपन ने एंडोस्टाइल पढ़ा था, यहां पर भी एंडोस्टाइल पाई जाती है। तो इसकी एंडोस्टाइल के अंदर भी खूब सारी गिल बार्स पाई जाती है, गिल रोड्स पाई जाती है। इसके गिल्स को अगर अपन देखें, गिल्स की जो फिलामेंट अगर देखें, गिल्स के फिलामेंट, तो गिल्स बार है ये, तो गिल्स फिलामेंट में भी देखेंगे तो अपने को उसके अंदर रोड दिखाई देती है। इवन इसकी पेराइटल पेरिटोनियल होती है उसमें भी छोटी छोटी कनेक्टिव टिश्यूज की रोड्स पाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे पूरे शरीर के अंदर क्या पाया जाता है, एंडोस्केलेटन पाया जाता है, वो जिलेटिन के रूप में पहले वो कनेक्टिव टिश्यू होता है एक्चुअल में वो,
और धीरे धीरे जाकर के वो थोड़ा सा जिलेटिन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद में वो टफ और रिजिड हो जाता है और वही इसका एंडोस्केलेटन का काम करता है। तो इस प्रकार से अपन ने नोटोकॉर्ड अपने आप में एंडोस्केलेटन का काम कर रही है। हेलिक्स की वाल के अंदर जो गिल्स बार होती है उन गिल्स बार के अंदर जो रोड जाती है वो भी एंडोस्केलेटन का काम करती है। रोस्ट्रम के नीचे जो ओरल उड़ा होता है उसके अंदर खूब सारी 10 से 11 तक सिराई होते हैं, बक्कल सिराई जिसको बोलते हैं, उनके अंदर रोड्स होती है। इसके अलावा अपन ने फिन रेज बॉक्सेस देखे हैं तो डोर्सल फिन के अंदर 1 रो होती है और वेंट्रल फिन के अंदर 2 रो होती है। इसी तरीके से एंडोस्टाइल में भी होता है और गिल फिलामेंट के अंदर भी छोटी छोटी रोड्स पाई जाती है। तो इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि ब्रिंकोस्टोमा में एक्सोस्केलेटन तो नहीं पाया जाता लेकिन एंडोस्केलेटन है वो काफी मात्रा में पाया जाता है जो इसकी बॉडी को फुली सपोर्ट करता है। थैंक यू।